तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिन ज़ाओ के प्लेस पे रहता है और इधर उधर घूम रहा होता है। और वो मनी मन में कह रहा था कि वो अभी तक लौटा क्यों नहीं है, क्या वो माउंटेन के नीचे गया है। और वो कह रहा था कि नहीं, आज मैं स्नेहा ब्रदर को देख के ही जाऊँगा, मैं ये और डिले नहीं कर सकता। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिन ज़ाओ के रूम के अंदर आ जाता है और वो सामने देख के कह रहा था कि क्या ये स्नेहा ब्रदर का बेड है, वैसे तो स्नेहा ब्रदर यहाँ पे नहीं है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि नहीं 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 मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए मुझे। पर हमें दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिन ज़ाओ के बेड को सूंघने लगता है और वो कह रहा था कि वही 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 कितना सुंदर स्मेल है, ये स्नेहा ब्रदर का स्मेल है, ये बहुत ही अच्छा स्मेल है, वही 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 ये टेस्ट बिग ब्रदर के जैसा है। और तभी हमें दिखाया था कि अचानक से वहीं पर लिन ज़ाओ आ जाता है और वो टोटली शॉक हो गया होता है। और वो मनी मन में कह रहा था कि मैं जब यहाँ से चला गया था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जूनियर सिस्टर मेरे बेड पे क्या कर रहा है। और फिर हमें दिखाया था कि लिन ज़ाओ को जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के कांड को देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये सीन तो टोटली फॉरवर्डेड है, ये कैरेक्टर ही नहीं टूटा है, ऐसा लगता है कि मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर के बॉडी को कोई प्रोसेस करके रखा है। और ये हीरोइन का एटीट्यूड विलन सीनियर ब्रदर की तरफ ऐसे चेंज क्यों हो रहा है, आज मैं सब कुछ का सच पता करूंगा और मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर को मैं छुपके से हर एक एक्शन को फॉलो करूंगा। और तभी हमें वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया थे जो लिन ज़ाओ के बेड के ऊपर रहता है और तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, गाइस आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है, ठीक है कुछ अलग चीज़ होगा। पर तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो नेक्ड बॉडी के साथ नहाने जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि तीनों जूनियर सिस्टर को जो नहा रहा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिन ज़ाओ को दिखाया जाता है जो छुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, सोसाइटी बर्बाद हो गया है और मेरा बिग ब्रदर का इमेज तो पूरा खत्म होने वाला है। और तभी उसको कुछ रियलाइज होता है और वो कह रहा था कि मनी मन में हाँ मैं तो विलेन हूँ है ना, तो मेरे इमेज जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन ज़ाओ के रूम के अंदर बिना पूछे आ गया था और भाई हमें दिखाया था कि लिन ज़ाओ आ जाता है और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को देख लेता है और उसके बाद चिल्लाते हुए कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर तुम बिना परमिशन के मेरे रूम के अंदर कैसे आ सकते हो। और भाई हमें दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो ब्लेसिंग करते हुए कह रहा था कि बिग ब्रदर और उसके हाथ पे कुछ पकड़ा रहता है और वहीं पर हमें दूसरी तरफ लिन ज़ाओ को दिखाया जाता है और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर का ये हरकत देखकर टोटली शॉक हो गया होता है। और लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा थर्ड जूनियर सिस्टर जेंटल और टेजर गर्ल है, फिर भी मेरा ये जो क्रूयल बिहेवियर है इसके कारण मुझे माफ नहीं करेगा, उसके बाद मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर मुझे डांटेगा और मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारेगा, उसके बाद मेरा विलेन प्लॉट कंप्लीट होगा। हमें दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने हाथ पे एक पत्थर पकड़ के रहता है और वो अचानक से तोड़ देता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आपके पास कुछ इस तरह का भी हॉबी है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। और भाई मैं दूसरी तरफ लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर क्लियरली हंस रहा है पर ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। फिर हम लिन ज़ाओ को देखते हैं जो एक विलेन फेस बनाते हुए इसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं एक एडल्ट इंसान हूँ तो मुझे उस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ता है। फिर लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर टूटने का कारण ढूंढने से पहले मेरा विलेन कैरेक्टर को सही रखना चाहिए। फिर लिन ज़ाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा था कि तुम ही हो जो पहले तुम्हारे सीनियर ब्रदर के रूम के अंदर छुपके से घुस गया, उसके बाद मेरे बेड पे पता नहीं क्या कर रहे, बताओ इस सभी का वजह क्या है। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिन ज़ाओ के ये बिहेवियर देख के थोड़ा घबरा गया होता है और वो कह रहा था कि मैं चिंता कर रहा था कि मेरे सीनियर ब्रदर याचन के हाथों आज बैटल में घायल हो गया है तो इसलिए मैंने चेक करने के लिए आया कि सीनियर ब्रदर सही है या नहीं। लिन ज़ाओ कह रहा था कि ओ तो तुम्हारे सीनियर ब्रदर को तुम इतना केयर करते हो कि गहरी रात में तुम मुझे रिवार्ड देने के लिए आ गए। और दूसरी तरफ लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से लिन ज़ाओ के साथ जब याचन का फाइट होगा, फाइट के बाद मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को लेके याचन को देखने के लिए आएगा, उसके बाद थर्ड जूनियर सिस्टर याचन के प्यार में पड़ जाएगा और यहाँ पे मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर मेरा चिंता करते हुए गहरी रात में मेरे पास आ गए। फिर लिन ज़ाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ आगे बढ़ ही जा रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि जल्दी से रेसिस्ट करो, चिल्लाओ और मुझे थप्पड़ मारो। पर हमें दिखाया था कि उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को जो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और ये देखने के बाद लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा था कि डैम इट वो तो रेसिस्ट ही नहीं कर रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा है, क्या ये प्लॉट बर्बाद होने वाला है। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिन ज़ाओ को रोक लिया होता है अपने हाथों से, लिन ज़ाओ ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ अब आया ना स्क्रिप्ट पे, पर हम देखते हैं कि थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिन ज़ाओ को किस कर लेता है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिन ज़ाओ को दिखाया था जो उसको पहले तो कुछ समय नहीं आता है, फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, कोई मेरा पहला किस ऐसे कैसे ले सकता है। फिर लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा था कि डैम इट मेरा फर्स्ट किस ऐसे कैसे जा सकता है और अचानक से उसको कुछ रियलाइज होता है और वो कह रहा था कि नहीं ये पॉइंट नहीं है। फिर लिन ज़ाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को दूर करते हुए एक विलेन फेस बनाते हुए कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर तुम ये क्या कर रहे हो, और वहीं पे लिन ज़ाओ मनी मन में कह रहा था कि मैं एक विलेन हूँ कोई हीरो नहीं हूँ, थर्ड जूनियर सिस्टर आप उठ जाओ। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन ज़ाओ की ये भारी आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा डर गया होता है और रोते हुए कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, और वहीं पे यहाँ पे थर्ड जूनियर सिस्टर का ये हरकत देखने के बाद लिन ज़ाओ थोड़ा शॉक हो गया होता है
और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तुम सच में ना क्या कर लेते हो। थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजाओ के गले लग जाता है और वो कह रहा था कि मुझे पता था सीनियर ब्रदर मुझे दोस्त नहीं देगा। लिंजाओ कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, पिछले 10 सालों से मेरे जूनियर सिस्टर को स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। मेरे फोर्थ जूनियर सिस्टर जो एक क्राई बेबी था वो एक स्प्रिट बीस्ट को देखते ही रो देता, पर फ्यूचर में वो 1000 से भी ज्यादा फील फॉर्मेशन स्टेज के स्प्रिट बीस्ट को एक साथ कंट्रोल करेगा। मेरा जो थर्ड जूनियर सिस्टर है वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पर वो फ्यूचर में जाके फेरी क्यून नाम से फेमस होगा। और मेरा जो सेकंड जूनियर सिस्टर है वो बचपन में उसके पेरेंट्स को खो बैठा था, पर उसके बाद भी उसके पास्ट को भुला के वो फ्यूचर में हिस्ट्री का टॉप स्वॉर्डमैन बनेगा। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ उस सभी को लेके। फ्यूचर में जब मेरे मास्टर दुनिया घूम रहे होंगे उस समय मेरे तीनों टैलेंटेड जूनियर सिस्टर सेट को फैमिली की तरह संभाल रहे होंगे। मैं पिछले 10 सालों से इस नोबेल के अंदर मेरे तीनों जूनियर सिस्टर के साथ एक साथ रहा हूँ। मैं चाहकर भी उस सभी को नोबेल के ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर पाता, और जब भी वो तीनों मुसीबत पे पड़ता है मैं उस सभी के सामने खड़ा हुए बिना रह नहीं पाता। मैं इस नोबेल पे विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, पर मैं सीरियसली हमेशा मेरे तीनों जूनियर सिस्टर को मदद करते आया हूँ, पर किसी को नहीं पता। पर तभी अचानक से लिंजाओ को कुछ रियलाइज होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि मैंने अभी सुना मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, क्या इसको पता चल गया कि मैं छुपके से उसको मदद करते आया हूँ। फिर लिंजाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर अभी तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा रोड थे, पर मैं ये केयर नहीं करता। अब तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें सही सही जवाब देना है, क्या तुम सुन रहे हो। और ये बातें सुनने के बाद हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप सिर्फ मुझे पूछिए, मैं सब कुछ सच कहूंगा। फिर लिंजाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि मेरा पहला क्वेश्चन, क्या तुम आज से पहले याचन से कभी मिल चुके हो। थर्ड जूनियर सिस्टर दूसरी तरफ देखते हुए कह रहा था कि मैं उससे पहले कभी नहीं देखा, और मैं भी लिंजाओ कह रहा था कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है क्या। और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर को जानता हूँ, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, अगर वो कह दिया है कि वो याचन से कभी नहीं मिला है पहले तो इसका मतलब वो जरूर पहले कभी नहीं मिला। और हमें दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ने मुझे पूछा कि मैंने याचन से मिला है या नहीं, पर मैंने हेवनली मेमोरी के हिसाब से याचन के बारे में सब कुछ पता है, पर रियलिटी में मैं याचन से नहीं मिला हूँ उससे पहले, तो ये काउंट नहीं होगा। लिंजाओ कह रहा था कि ये सही नहीं हो रहा है, जिस दिन याचन मुझे चैलेंज किया था उस दिन मेरे जूनियर सिस्टर के फेस पे याचन के ऊपर टोटली नफरत से भरा हुआ था। फिर लिंजाओ उसका थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुमसे फिर से पूछ रहा है, आज तुम जब याचन को देखे थे तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। और ये बातें सुनने के बाद थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर को वापस दो, वैसे तो मैं उस इंसान से पहले नहीं मिल चुका हूँ, पर जब मैं उसे पहली बार मिला तो मुझे लग रहा था कि वो इंसान का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा सेमलेस और गंदा है, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक से लिंजाओ कह रहा था कि क्या इंतजार नहीं कर पा रहे थे, तभी भाई हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उसको होश आता है और वो कह रहा था कि मनी मन में नहीं 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 मैं अभी सब कुछ रिवील कर दिया था। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर मनी मन में कह रहा था कि नहीं, अगर मैं इस तरह से कंटिन्यूसली बात करता रहा तो सीनियर ब्रदर मेरे ऊपर संदेह करेंगे। और फिर वो कह रहा होता है उसके सीनियर ब्रदर को, सीनियर ब्रदर वैसे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। लिंजाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो मनी मन में कह रहा था कि कुछ तो गलत है, क्या मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है, और वैसे वो याचन से पहले मिला नहीं है तो वो उसके ऊपर इतना ज्यादा मर्डरस इंटेंट क्यों है। चलो मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर को टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर लिंजाओ उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम तुम्हारे सीनियर ब्रदर के लिए एक फेवर कर दोगे। और ये बातें सुनने के बाद थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप सिर्फ मुझसे पूछिए। लिंजाओ कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टेंजोन पीक के अंदर जाके याचन के लिए एक ट्रैप सेटअप करो, इससे मेरा जो याचन के ऊपर गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और हाँ जरूर अगर तुम नहीं चाहते हो तो भूल जाइए, सब करने का जरूरत नहीं। और फिर लिंजाओ मनी मन में कह रहा था कि चलो फर्स्ट मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर के एटीट्यूड को टेस्ट करते हैं। पर हमें दूसरी तरह थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या मैं उस इंसान को मार दूँ, और ये मिशन कब से शुरू होने वाला है। और इधर थर्ड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा था कि मेरे प्यारे सिस्टर मेरी बातें सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म, भागो यहाँ से। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे का एपिसोड अगर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, जल्दी से फॉलो करो, नहीं तो शादी नहीं होगा तुम्हारा। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।